माई चैनल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, वो है हेयरफॉल। आजकल हेयरफॉल जो है वो हर तीसरे आदमी के पास है। हेयरफॉल की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर एक के बाल झड़ रहे हैं और सब लोग बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन किसी के भी पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शैम्पू कंडीशनर ट्राई कर करके थक चुके हैं और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। तो आज मैं एक छोटी सी दो टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो पर वन है कि आपको क्या करना है, 2 चम्मच ऑनियन जूस लेना है और साथ ही साथ आपको 2 चम्मच शहद लेना है और आपको इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको इनको अपने बालों की स्कैल्प पे लगा लेना है। आपको टिप पे नहीं लगाना है फ्रेंड्स, आपको स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प पे लगाने के बाद आप उसे थोड़ी देर रखें और फिर गुनगुने पानी से अपना सर धो लें। तो इससे क्या होगा कि आपके बालों की जो है हेयरफॉल कम हो जाएगा और साथ ही साथ ये रीग्रोथ भी जनरेट करने में बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको। तो ये तो मेरी रही टिप नंबर 1। तो मेरी टिप नंबर 2 है कि आपको नींबू का जूस लेना है और आप उसको कॉटन पैड की सहायता से अपने स्कैल्प पर लगा लेना है और आप उसे आधे घंटे के लिए अपने स्कैल्प पर रहने दीजिए। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी से अपने सर को और गुनगुने पानी के साथ धो लीजिए। इससे आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, साथ ही साथ मुलायम भी हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये दोनों टिप कैसी लगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन।